విసహర కంటే సం మంగళ కళ్యాణవాసం విసహరపులినో తస్ గోగమారీ దుట్టచరా జీవామం చిట్టే దూరమోయిరచిరవీచి వాటి నుఃఖ దోగం

ओम रीं सीमर नमीव न पास विसहसन पुलिंग ओं नम स्वा ओम रीं सीमर नमीव पास विसहर्वसन पुलिंगम ओम नम स्वाह ओं र्रीम श्रीमर नमीव न पास विसहर्वसन पुलिंगम ओं नमस्वाहाह ओम रीम सेसहर सहजन पुलिंग ओं नम ओम प्रेम स्विमरम वि सर्वसजन पु लिंगम ओम सभी संकोटों की मुक्ति देने वाला सभी उपसर्ग आदि दोषों को दूर करने वाला दिव्य शक्तिधारी घंटा आकार मंत्र का जाप शुरू करते हैं ओम घंटा कर्णो महावीर सर्व व्याधि विनाशक इस पोटक भयं प्राप्ति रक्ष रक्ष्य महाबल यत्र तं तिष्ठते लिखितो चरपन्तवे रोगा तत्र पुणीषन्ति वापित्कपोद्भवम् तत राजभयम् नास्ति यान्ति कर्णे च पास्य शाक्नीभूत वेताला राक्षस नाकाले मरणं तस्य न च सर्पेण दश्यन्ते अग्नि चोर भयम नास्ते ओम रेम सेम क्लेम रोम रेम घंटा कर्णमो स्तुते ओम न रवि रठट स्वाहा ओम घंटा कर्ण महावीर सर्व व्याधि विनाशक स्फोट का भयम प्राप्त रक्ष रक्ष महाबल तिष्ठते देवा लिखित तो चरपंतवी

ओम घंटाकरणो महावीर सर्व व्याधि विनाशकम् स्फोटक अभयं प्राप्ति रक्ष रक्ष, रक्ष महाबल यतरतम तिष्ठते देव लिखितो चरपंतवे रोगा तत्र पनीशंते वापित कपोद्भव तताराय भयं नास्ति आन्ते करणे जपासयम् భూత వేతాల శాకినీభూతవేతారాక్ష ప్రవంతి నా కాళీ మృం తర్పేణ దశ అగ్నిచోర్భయం నాస్తి ఓం ర్రీం శ్రీం క్లీం లూం ర్రీం ఘంట్కర్ణమోస్ ఓం ఓం నరవిర స్వాహాకర్ణ మహావీర సర్వ్యాధి వినాశ ईस्फोटक अभयं प्राप्ति रक्ष रक्ष महावलम यततम तिष्ठते देवालिकितो चरपंतवि रोगा तत्र पणी शंति वात् पित कफोद्भवम तथा भयम नास्ति आन्ते करणीच पाश्यम शाकनी भूत वेताला राक्षस प्रबन्तिनाम नाकाले मरणम तस्य नच सर्पेन दर्शन्ते अग्निचोर भयम नास्ते ओम श्रीम क्लीम रीम घंटा ओम रथ रथ सभी को सूचना है आपके जीवन के अंदर जब कभी कोई बीमारी ज्यादा बढ़ जाए इस घंटाकर्ण मंत्र को आप 21 बार या 25 बार या इक्कावन बार जापे करके और सामने पानी रख करके अभिमंत्रित करते हुए पी जी किसी प्रकार की रोग हो चाहे शारीरिक हो चाहे मानसिक रोग हो ये दोनों रोग जो है चाहे वह प्रकृत प्रकृत कोई किया हुआ कोई अनेक प्रकार के मंत्र तंत्र कृत कोई उपसर्ग हो वह नाश को प्राप्त हो जाता है इस मंत्र का अद्भुत अलौकिक शक्ति अद्भुत अलौकिक ताकत है पावर है जो व्यक्ति इसका भक्ति भावना से जाप्य करता है उसका जीवन बहुत ही जो है नेक और रोग होता है व्यक्ति को भी जो है उसको कार्य कर देता है तो आइए मंत्र जाप्य करते हैं ओम घंटा कर्ण महावीर व्याधि विनाश कहम स्फोट का व्यय रक्ष महाबल यत्र तामं तिष्ठते देवा लिखितो चरपंतपि रोगा तत्र पणि शान्ति वाक् पित कपोद्भवं तत राजभयं नास्ति आन्ति कर्णे जपास्यम शाकनी भूत वेताला राक्षस प्रबन्तिना नाकाले मरणं तस्य नच सर्पेन दश्यन्ति अग्निचोर्भ नास्ते ओं ह्रीं श्री क्लीं ब्लूं ह्रीं लंटा कर्णमोस्तुते ओं नरवीरठट स्वाहा ओं घंटा कर्ण महावीर सर्व्याधिविनाशक विस्फोटक भयं प्राप्ति रक्ष रक्ष महाबल यतम तिष्ठते देव लिखितो चरपंतवी रोगा तत्र पनीशंती वात्पीत कपोद्भवम् ततराजभयम् नास्ति आन्ति करणे च पासायम् शाक्नी भूत वेता लाराक्षस प्रबन्तिना नाकाले मरणं तस्य न च सर्पेन दश्यन्ते अग्नी चorभयम् नास्ति ओम रिम शिम क्लिम बुलुम रिम घंटा कर्णम ऊसुते ओम नरवीर टटस्वां ओम घंटा कर्ण महावीर सर्व व्याधि विनाशकम् ईश्वर अकाव्यं प्राप्ति रक्ष रक्ष महाबलम् यत्रतां तिष्ठते देवा लिखितो चरपंतवि रोगा तत्र पनीशंति वात्पीत कपोद्भवं ततराजभयं नास्ते यान्ते करणेजपशयम् शाकनी भूतवेताला राक्षस प्रबन्तिना नाकाले मरणं तस्य नच सर्पेन दर्शन्ते अग्निचोरभयम् नस्ति ओम रिम शिम क्लेम लोम रिम घंटा कर्णमो ओम नारवीर टट स्वाहा ओम घंटा कर्ण महावीर सर्व यादि विनाशक इस्फोटक भयं प्राप्ति रक्ष रक्ष्य रक्ष महामूलम यतरतां तिष्ठते देव लिखितो चरपंतवि रोगा तत्र पणि शांति वापित तपोद्भवम् तथा नास्ति भयम नास्ती अंत करणे जपाशयम शाकनी भूत वेताला राक्षस प्रबंधी न न काले न सर्पे न दश्यंते अग्नि नास्ति भयम नास्ती ओम ब्रीम श्रीम क्लीम ब्लूम रीम ओम नर वीर ठट स्वाहा ओम घंटा कर्णो महावीर सर्व व्याधि विनाशकम् विस्फोटकभयं प्राप्ते रक्ष रक्ष महाबल यतर्तां तिष्ठते देव लिखितो चरपन्ती रोगा तत्र पनीषन्ते वात्पीत्कपोद्भवा ततः राजभयम् नास्ति यान्ते करुणुजपाशयम् शाग्नीभूतवेताला च नाकाले मरणं तस्य न च सर्पेण दश्यन्ते अग्निचोर भयम नास्ति ओम रीम श्रीम क्लीम लुम रीम घंटा कन्नमोस्ते ओम न रवि रठट स्वाहा सभी को सूचना है महत्वपूर्ण का कल जो है आने वाला 20 तारीख 19 तारीख और 18 सेप्टेम्बर जो है तीन दिन एक स्वर्ण महोत्सव रूप में कार्यक्रम रखा है इसके निमित्त से कुछ नए कुछ समाज कल्याणकारी योजनाएं हम ला रहे हैं जो बीस तारीख स्वर्णम जयंती के उपलक्ष्य में पांच हजार बच्चों को एजुकेशन फ्री पढ़ाने की संकल्पना ली जा रही है इस संस्था के माध्यम से और पांच हजार भारत के अंदर जो गरीब है अनाथ है दीन दुखी है जिनके माता पिता नहीं है आज इनके परिस्थिति सही नहीं है ऐसे जो है सामान्य वर्ग और गरीब वर्गों के बच्चों को सीबीएसई स्कूल से इंग्लिश मीडियम स्कूल से प्राइमरी जो है कन्नड़ा मीडियम स्कूल से आदि इंजीनियरिंग और बी बे ए बी कॉम बी एस सी आदि अनेक अनेक जो है कोर्स में बच्चों की एजुकेशन हो और इस निमित्स से जो है फ्री ऑफ चार्ज 5000 हजार बच्चों को इस वर्षों में पढ़ाने की एक संकल्पना ली जा रही है और उसके साथ अनेक अनेक कार्यक्रम रखा है जिसमें तीन दिन संगीत कार्यक्रम रखा है हमारे कर्नाटक के मशहूर संगीतकार राजेश कृष्णा और उनकी टीम और अनेक फिल्म इंडस्ट्री के जो अनेक हीरो लोग जो है उस टाइम पर शाम के टाइम पधार रहे हैं मध्यान्ह के समय पर अनेकों नेता अभिनेता और राजनेता जो है इस कार्यक्रम में रहे हैं लाखों लोगों की साक्षी में अनेकों संकल्पना आपको बताया जाएगा क्या क्या इस साल हम लोग करेंगे और पचास साल पूरा होने के नाते जो है पचास कार्य जो है देश समाज राष्ट्र की उद्धार के लिए कराया जाएगा जिससे सामान्य जनों की गरीब लोगों की और अनेक, अनेक जो है कार्य हो सके ऐसी अपेक्षा जो है जगत के अंदर अच्छा कार्य हो इस भावना को हम उभारे हैं और इस संस्था नवग्रह तीर्थ की तरफ से यह योजना हो रहा है और जिसको भी आना है वो पूर्व में ही बुकिंग कराए क्यों जगह मिलना रूम मिलना बहुत कठिन हो जाता है तो जिसको भी आना है पहले से बुक करें तो ही जो है कार्यक्रम आप देख पाएंगे यहाँ आ, आ पाएंगे और इसका सारा टेलीकास्ट और जिनवानी चैनल भारत चैनल और आदिनाथ चैनल तीनों चैनलों में लाइव रहेगा आप उसमें भी देख सकते हैं जूम में भी रहेगा और तीनों टीवी में भी रहेगा लाइव डायरेक्ट रहेगा तो उसमें भी आप लाभ उठा सकते हैं और तो आइए ऐसे कार्यक्रम के साथ और एक सूचना है कल रविवार है रवि सूर्य जो है ये जन्म कुंडली के अंदर जन्म समय के अंदर अच्छे जगह पर रहेगा तो जीवन यशस्वी होता है मनुष्य कर्म करने से सब कुछ प्राप्त नहीं होता है गधे मजूर करने से सफलता होता है ऐसा नहीं उसके पीछे एक शक्ति और एक एनर्जी और एक पावर होने आवश्यकता है आदमी एक ही टाइम पर एक दुकान में बैठा रहता है दिन भर मक्खी मारता है और बाजू वाला सेम दुकान सेम आइटम परंतु उसके फुर्सत नहीं मिलता श्वास लेने का खाने तक टाइम नहीं मिलता और इतना वो उसका एनर्जी भी जो है रात को 12 बजे तक दुकान चले तो भी वहां भीड़ कम नहीं होती है तो इस प्रकार की परिस्थिति भी अपने जीवन में आप लोगों ने सब देखा है तो ये जो है का अंदर से भाग्य कर्म उदय और बहाय निमित्त से जो है सूर्य ग्रह का भी कारक माना जाता है सूर्य ग्रह अगर बारहवें स्थान में हो जिस जिसके भी कुंडली अगर हो अगर आपके पास दिख रहा हो तो देख लीजिए अगर सूर्य बारहवें स्थान में हो वह आदमी कितना ही कार्य करे काम वो करेगा यश दूसरा ले लेगा काम बड़ा भाई करेगा छोटा भाई नाम कमा लेगा यश नहीं प्राप्त होता यशस्वीता प्राप्त नहीं होता है जीवन के अंदर असफलता और जीवन के अंदर कोई भी मनो मुताबिक कार्य सिद्ध नहीं होते हर बात पर उसको मन को मार करके जीना पड़ता है द्वार त्योहारों में कभी कभी ऐसे ऐसे परिस्थितियां आता है त्योहारों के अंदर दुनिया जो है हंसती रहती आनंदित रहती है और आनंद और खुशियां मनाती रहती है और आपको जो है एक कोने में बैठ के रोना पड़ता है असफलता के लिए आपको दुख झेलना पड़ता है एक कोने में बैठ करके अपने जीवन की जो परिस्थिति है उसको सोच सोच करके अपने आप को कोसना पड़ता है कि मैं कितना भी करूं क्या भी करूं कोई सफलता ही नहीं मिलता रात भर विचार करते कल ऐसा करूंगा कल ये करूंगा कल वो करूंगा पर कुछ भी हास्य नहीं हो पाता है यह सूर्य ग्रह की असफ अपय या अशुभ ग्रह से युक्ति का कारक माना जाता है तो आइए कल जो है आप ऐसे तमाम प्रकार की समस्याओं को दूर करने के लिए नवग्रह शांति अर्थ भगवान पद्म प्रभु का दिव्य शांति धारा और अभिषेक जरूर देखिए जीवन के अंदर आप जो आपका घर घर है उसको आपने दस लाख बीस लाख करोड़ दस करोड़ बीस करोड़ तक आप आपने बनाया तो सही है पर वह चार दीवारी से ही घर घर नहीं होता है उस घर के अंदर एक ऊर्जा एक एनर्जी एक पावर एक शक्ति का केंद्र होगा तो भी आप उसके अंदर ढंग से जी सकते हैं अगर उसके अंदर कोई एनर्जी नहीं है उसके अंदर कोई ताकत नहीं है चार ईट की पत्थर से बना हुआ है और चार कांचों की या लाइट की चका चुन से वह घर चमक नहीं सकता है घर का चमकाट घर के अंदर ताकत घर में जाने के बाद शांति और आनंद का फीलिंग ना हो तो वह घर घर नहीं एक नरक है बन तो घर को घर बनाने के लिए घर के अंदर देवताओं को निवास होने के लिए घर के अंदर अनेकों प्रकार की शक्ति का एनर्जी का निवास होने के लिए आपको नवग्रह से एक दिव्य महाशांति धारा और महाशांति धारा के अंदर अनेकानेक दिव्य शक्ति को आह्वान किया जाता है और आपके घरों के अंदर वह दिव्य शक्ति का उच्चारण होता है और जिससे अनेक प्रकार की घर के अंदर जो नेगेटिव ऊर्जा है वह पॉजिटिव बोलती है वह आपका घर घर ने सुबह सुप्रभात उठने उठने भगवान का नाम शरण होता है देव देवादेव तीर्थंकर के ऊपर जन्माभिषेक आनंद उत्सव का वाद्य मंगल स्वर से अभिषेक किया जाता है और विविध प्रकार के मंत्रों से अभिमंत्र दिव्य मंत्रोच्चारण पूर्वक जो है महाअभिषेक होता है और महा धारा होता है सुप्रभात के समय एक दिव्य शक्ति का वास आपके घर में होता है करना क्या होता है आपको एक मोबाइल तो शुरू करके रखना पड़ता है और क्या करना है जिसको काम करना होता है वो मोबाइल बंद करके अपने मतलब वीडियो बंद करके केवल जो है आड़े ओर ओपन रख करके रखिए देखिए आपके घरों में आपके जीवन में कितना अंतर आता है भगवान सबसे पहली बात देवादिदेव भगवान पा, पार्शनाथ आदि का अभिषेक अगर सुप्रभात के समय आपकी आंखों में के सामने गुजरता है तो दिन भर अच्छा रहता है और दूसरी बात दर्शनम देव से दर्शनम नाशनम दर्शनम स्वर्ग सोपानम दर्शनम मोक्ष साधनम परमात्मा के दर्शन के मात्र से ही स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है तो साक्षात दिव्य जन्म कल्याण का वैभव पूर्ण जो है अभिषेक आपके सामने गुजरता है आपके सामने जो है दिव्य अभिषेक होता है अगर आप देख लेते हो उससे बड़ा पुण्य बंद नित्य प्रति और क्या हो सकता है आप दिन रात चौबीस घंटे में जो आपने पाप कमाया प्रभु का सुबह सुबह सुप्रभात समय आपका अभिषेक देख लेते हो सब प्रकार के पाप ध्वंस हो जाता है तो आइए ऐसे दिव्य शक्ति संपन्न महाअभिषेक जो है नित्य प्रति आप सुप्रभात के अंदर देखिए एक दूसरी सूचना तीसरी सूचना है आपको बार बार बोला जा रहा है कि फार्म भरना है और अपने जीवन की और परिवार की रक्षा करना है और फार्म के साथ अभी जो है आ, आपको हवन आपके नाम पर निशुल्क होगा और जो है आपको जिन जिन ने फार्म भरा है डेली थोड़ा 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 नाम पुकार दूंगा और कोई रह गया हो तो वो लोग फार्म भर दे ऐसी आत्मी निवेदन है अब जो है ग्रह के दोषार मनुष्य के जीवन में शनि का ताप संताप बहुत बड़ा रहता है उसके चक्कर में कई लोग नाना प्रकार के कार्य करते रहते हैं तो शनि ग्रह की शांति अर्थ उन्नीस दीप भगवान मनुष्यनाथ को लगाना है कौन कौन दीपक करना चाहते हैं और कौन कौन उन्नीस दीप लगा करके शनि दोष निवारण की जो संकल्पना लेना चाहते हैं डायरेक्टर का करिए कितने लोग नाम पुकार दो एक बार कौन कौन है कितने लोग है देखिए नाम पर उन्नीस दीप जिसने लगाए उन्हीं का नाम पुकारी फालतू तो हिंडराज मत करिए जल्दी से पुकार लीजिए नमस्ते नमस्त महाराज विराज ऋषभ अर्चना किरण पाटील वसगडे श्रीकांत बाहुबली शहा दीपक कीर्ति रोमित नमन मीनल दीपक, भी जाओ। मीनल दीपक कोटडिया सविता सतीश कुमार फवडे दर्शना सुशील विनायक जैन पुणे तारा शिल्पा आशिक कार्तिके बुधिनी जैन कोटा अनिता सुध्यान श्रेय सुद्धा सावजी मधुमती रितेश मोतीलाल सावजी ऋषभ कोटे वंदना अभिनंदन दोषी लीना दिव्या दीपिका संभव जैन चंदाबाई रंजना शिरी जैन आशीष केतकी सविता संजय पालिया नवजीवन शाह मयूरी प्रवीण जैन संगीता संजय सावजी दिव्या गांधी वैराग जितेंद्र अर्चना रुचिका सार्थक कासलीवाल अंजलि विशाल तेजस्मित रायबाकर भव्या पूर्व अमृता नवदीप सावजी शोभा विजय कुमार जी ठोले मंगल रुगे अरुण दोषी स्मिता जैन संजय मानसी पार्थ अग्रवाल पुण्यश्री ऋषभ चौधरी मनीषा सुनील बा कासलीवाल आदिवी डॉक्टर निधि डॉक्टर मिलिंद संगीता किशोर प्रवीण चंदुराल गिरीसा, हेम कुमार वंदना प्रेषित प्रेरणा जैन संजय दीपचंद पड़े, धन्य कुमार देशमाने चेतना मिंडा ऋतुजा पाटिल बीना ललित पारस मूर्ति जैन वाराणसी आइए एक एक मंत्र बोलता जाता हूँ आप एक एक दीपक भगवान मनुष्वनाथ को अर्पण करते जाइए और तीन बार अवतार करके नीचे रख दीजिए मंत्र शुरू करता हूँ ओम नमो रते भगवते श्रीमते मुनुष्णा तीर्थंक्राय वरुण सहिताय ओम आम क्रो री शनि महाग्रह शनि संबंधे सर्व दुष्ट रोग कष्ट निवारण कुरु सर्व उपद्रव शांति कुरकुरु तुष्टि कुरकुरु रिद्धि सिद्धि कुरकुरु हुम फट स्वाहा ओम नमो हरते भगवते श्रीमते मनुष्यना तीर्थंकराय वरुणेक्ष वरुणेक्षताय आम आम क्रोम रेम रह च मनुष्यनाथाय महाग्राय अपने नाम लीजिए सर्व दुष्ट ग्रह रोग निवारणाय सर्वोपद्रव निवारणा सर्व पट स्वाहा ओम नमो अरहते भगवते श्रीमती मुन श्रुनातीर्थ रूपी आम क्रो ओम क्रोम रीम रनिमहाग्रह मम अपने अपने नाम लीजिए रोग कष्ट निवारं कुरु, कुरु सर्वशाति कुरुकुरु पट स्वाहा ओम नमो रहते भगवते श्रीमते मुनश्रिना तीर्थंकराय वरुणेक्ष बहु रूपिणी सहिताया ओम आम क्रो री मम अपने अपने नाम लीजिए परिवार का नाम लीजिए जिन जिन का साढ़े सात डाय दोष उनका नाम लीजिए सर्व दुष्ट रोग कष्ट निवारण कुर सर्वशाति च कुर हुम फाट स्वाहा ओम रिम नमो रे भगवती श्रीमती मनुष्णाक्षसहितायाँ क्रो प्रीमराशन महाग्राय मम दुष्ट कष निवारण कुरकुर सर्वशाति चुक्रुम फट स्वाहा ओम नमो रे भगवते श्रीम्णाथंकराय भोरोपिनेशसताीमराशनी महाग्रह मम दुष्ट रोग कष्ट सर्व रोकष् ओम नमो रते भगवती मनुष्यतीर्थर्थंक्रय भूरोनेक्ष बोनेक्ष सहिताय ओं आम रीम शनि शनिमहाग्रा मम दुष्ट रोग कष्ट दुष्टरोकष् सर्व कुरकुर सर्वशाति कुरकु हूँ फट् ओम नमो रते भगवती मनुष्यनातीर्थंकराय भूपस ओम आम रीम शनि शनिमहाग्रा नाम लीजिए सर्व दुष्ट रोग कष्ट निवारण कुरु, कुरु सर्व शांति च कुरु, कुरु। ओम फट स्वाहा ओम नमो रते भगवती मनुष्य तीर्थंकराय वरुणेक्ष बहुरूप निशिताय आम क्रो ह्रीम शनि महाग्राय मम दुष्ट रोग कष्ट निवारण कुरु सर्व शांति च कुरु, कुरु ओम फट स्वाहा ओम नमो रते भगवती तीर्थंकराय बहुरोपनेषसहताय आं क्रो रीम शनिमहाग्राय मृष्टुरोक निवाण कुरकुर सर्वशातिम कुरकुरु हुम फ् स्वाहा ओं नमो रे भगवती मन तीर्थर्थर्थंक्रराय बहुरोपनेक्षसहिताय ओमा क्रोम रीं शनि महाग्राय मृषुरोकष निवाण कुरुको सर्वशातिम कुरक्रु हुम फट् स्वाहा ओं नमो रे भगवती क्षितायाम क्रोम शनि महाग्राय दुष्टुरोकि सर शातिमु स्वा ओम नमो रे भगवती मनिष्णते तंग्रभुरक्षिता क्रोमी शनि महाग्रय दुष्टरो श्रांतिमुट स्वाहा ओं नमो रगवती मन तंक्रभुरक्षक्षसितायाँ क्रोम ब्रीं शनिमहाग्राय दुष्टुरोक्य सर श्रा कृहू स्वा ओं नमो रगवती मन बहुनेक्षे बहुरोपणसिताय आम क्रोम्रीम शनिमहाग्रह मृष्टुरो निवारण कुरकुरशाति कृकुरुम पट स्वाहा ओम नमो अर् भगवती मनुष्ण तथंकराय बहूपक्ष सहिताय ओम आम क्रोम्रीं शनिमग्रहाय दुष्ट कष्टरोग निवारंकुर सर्वशातिम चुकु हुम पट स्वाहा ओं ओम अर् भगवती मनुष्य तथंकर बहुरूपनेक्षसहिताय ओम प्रोम रीम शनि महाग्राय मम दुष्टु रोग कष्ट निवारण कुरु सर्व शांति कुरु कुरु हुम फट स्वाहा ओम रीम मनुष्यनाथ तीर्थंकराय ओ सीतायाम क्रोम रीम शनि महाग्राय मम दुष्टु रोग कष्ट निवारण कुरु सर्व शांति कुरु कुरु हुम फट स्वाहा ओम नमो रते भगवती मनुष्यनाथ तीर्थंकराय बहुरूपनेक्षसहिताय आम रेम शनि महाग्राय मो दुष्टरो शांतिमुम फट स्वाम ओम नमो रिभवती मनुष्ण तीर्थित आ ओम आम रेम रहा शनि महाग्राय ओ, ओ शांतिमुम बार दीपक लगाते जाइए वापिस उसी को दुबारा करते जाइए ओम नमो लोवे सब बसाण ओम नमो लोवे सब बसा ॐ रीं नमो लोवे सोब्सानम् ॐ रीं नमो लोवे सुवसावनम् ॐ रीं नमो लोवे सुब्बसावनम् ॐ रीं नमो लोवे सुनम् ॐ रीं नमो लोवे सुनम् ॐ रीं नमो लोवे सुवसावनम् ॐ रीं नमो लोवे सुवसावनम् ॐ रीं नमो लोवे सुवसावनम् ॐ रीं नमो लोवे स्वसावनम् ॐ रीं नमो लोवे सौभसावनम् ॐ ब्रीं नमो लोभे सब्बसाहूनम् ॐषणात् प्रभो नमास्तुभ्यं मम शनैर् दश अन्तर्दशा प्रत्यन्तर्दशा दोषनिवारणं कुरुकुरुस्वाम् ॐ निष्वनात् प्रभो नमास्तुभ्यं मम सर्व शनिसम्बन्धि दोषनिवारणं कुरु कुरुस्व ॐनाथ प्रभु नमास्तुभ्यं मम शनिग्रह दोष निवारणं कुरुकुरु स्वाहा ॐ मृमुनिषणात् प्रभु नमस्तुभ्यं मम शनिदोषनिवारणं कुरुकुरुस्वः ॐमुनिषणात् प्रभु नमस्तुभ्यं मम शनिदोषनिवारणं कुरुक्रोस्व ॐमुनिषणात् प्रभु नमस्तुभ्यं मम शनिदोषनिवारणं कुरुक्रोस्वः ॐमुनिषुनात् प्रभु नमस्तुभ्यं मम शनिदोषनिवारणं कुरुक्रुस्वः ॐमुनिषुनात् प्रभु नमस्तुभ्यम् मम शनिदोष निवारं कुर कुरु स्व ओं ब्री मुश्विनाथ प्रभु नमस्त मम शनिदोष निवारण